हेलो बच्चों, अगर मैं आपको इन फोर वैल्यू का एलसीएम फाइंड करने के लिए कहूं तो आप में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कुछ इस टाइप से इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, जिसमें वो पहले 5 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद में वो 2 से डिवाइड करेंगे, फिर उसके बाद में अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, फिर लास्ट में 5 से और डिवाइड करेंगे, फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जाकर इसका एलसीएम निकालेंगे। बट बच्चों, अगर आप चाहो तो इसका डायरेक्ट आंसर 100 लिख सकते हो। ये 100 कैसे आया इसका डायरेक्ट एलसीएम, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से आई स्मार्ट क्लासेस चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, इन बड़ी वैल्यूज़ का एलसीएम फाइंड करें, इससे पहले ये जो छोटी वैल्यू है इनका एलसीएम फाइंड करना हम सीख लेते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो जो सबसे फर्स्ट स्टेप होगी हमारी एलसीएम फाइंड करने के लिए, उसमें हम ये देखेंगे कि जो दी गई वैल्यू है उसमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। जो बड़ी वैल्यू है, याद रखो, एलसीएम या तो वही होगा या फिर उसका मल्टीपल होगा, उसका गुणा होगा। और वो गुणा भी हमको कब करना है, देखो, पहले आपको लार्जेस्ट वैल्यू सिलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद जितनी भी बची हुई वैल्यू है उन सभी का इसमें डिवाइड करके देखना है। अगर डिवाइड हो जाता है तो वही आपका एलसीएम होगा, अगर डिवाइड नहीं होता है तो उस केस में जो भी आपकी बड़ी वैल्यू है उसको आप मल्टीप्लाई करो 1 से 2 से 3 से, ऐसे करके देखो और चेक करते रहो कि बाकी वैल्यू से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जहाँ पे भी हो जाता है वही उसका एलसीएम होगा। तो चलिए हम करके देखते हैं। इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, फर्स्ट स्टेप कौन सी है, लार्जेस्ट वैल्यू देखनी है। इन दोनों में लार्जेस्ट कौन सी, 16 है, 16। अब या तो 16 होगा, चेक करते हैं इसको, क्या 16 होगा, चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, बची हुई वैल्यू कौन सी है, 8 है, इस 8 का इस 16 में डिवाइड करके देखेंगे। अगर डिवाइड हो जाता है तो यही एलसीएम होगा हमारे लिए। तो क्या 8 से 16 में डिवाइड होता है क्या, यस होता है 2 टाइम, तो इस केस में आपका जो 16 होगा यही हमारा एलसीएम होगा, यह आंसर हो गया। इसमें देखो 6, 42, 7, इन तीनों वैल्यूज में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, 42। अब 42 के अलावा जो भी वैल्यू है इसका इसमें डिवाइड करके देखो, 6 का डिवाइड करो, 7 का डिवाइड करो, क्या डिवाइड हो रहा है क्या, यस हो रहा है, ये 7 टाइम हो रहा है, इससे 6 टाइम हो रहा है, तो आपका यही आंसर होगा 42। क्यों, एलसीएम का मीनिंग ही क्या होता है कि वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसमें दी गई सभी वैल्यूज का क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो क्या 42 से ऐसी कोई छोटी वैल्यू है क्या जिसमें तीनों से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगी, ऐसी कोई छोटी वैल्यू नहीं है, 42 ही है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसमें इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, और यही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। इसमें देखो 10, 40, 8 और 5, बड़ी वैल्यू कौन सी है, 40 है, क्या 40 में तीनों से डिवाइड हो रहा है क्या, 10 से डिवाइड होता है, यस होता है, 4 टाइम जाता है भाग इसका, 8 से डिवाइड हो रहा है क्या, यस 5 टाइम, और क्या 5 से डिवाइड हो रहा है क्या, यस 8 टाइम, तो यही आपका एलसीएम होगा 40। अब देखो इसमें, इसमें भी ऐसे चेक करेंगे हम, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू 12 है, क्या 12 में 9 से डिवाइड होता है क्या, नहीं हो रहा है, तो इस केस में क्या करना है, आपको 12 को मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करो इस 12 को, कितना आएगा 24, क्या 24 में 9 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है, फिर 12 को फिर 3 टाइम करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 36, क्या 36 में 9 से डिवाइड होता है क्या, यस होता है, और यही आपका आंसर है। इसमें देखो 30, 60 और 90, लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, 90 है, ये 90 सिलेक्ट कर लो। अब बची हुई वैल्यू से इसमें डिवाइड करके देखो, 30 से डिवाइड हो रहा है, 30 को कैंसिल कर दो, 60 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो अब क्या करो, 90 को आप मल्टीप्लाई करो, पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 92 जा कितना होता है 180, क्या 180 में 60 से डिवाइड होता है क्या, यस होता है, और यही आपका आंसर हो गया 180। कितना आसान है ना, चलिए इसको ट्राई करते हैं। 5, 10, 25 और 20, लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, 25 है, ये 25। अब 25 में बची वैल्यू से डिवाइड करके देखो, 5 से डिवाइड करो 25 में, डिवाइड हो रहा है क्या, यस हो रहा है, इसको कैंसिल कर दो, 10 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, 20 से हो रहा है, 20 से भी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। अब आप क्या करो, इस 25 का मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 50, क्या 50 में डिवाइड होता है क्या, 10 से तो डिवाइड हो जाएगा बट 20 से नहीं होगा, तो अपना 50 भी आंसर नहीं होगा। फिर इसको 25 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 75, क्या 75 में 20 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है, कोई बात नहीं, 25 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 को कितना आएगा 100, तो क्या 100 में 20 से डिवाइड होता है क्या, यस होता है, 20 से भी डिवाइड होता है, 10 से भी होता है और 5 से भी होता है, और यही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा।
बच्चे ये थ्री क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं और कमेंट करके आंसर बताना कि आपका क्या आंसर आ रहा है। मुझे पूरा भरोसा है आप इसका आंसर निकाल लोगे। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिए। अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ओके, बाय एंड टेक केयर।